ಅನುದಿನಾ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಯೆಸ್ ಸರ್ ಯೆಸ್ ಟೀಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ जमात शशुम से मजबून साइंस से ताल्लुक़ रखने वाला सबक जिसका उन्वान है बिजली और सर्किट यानी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में आज आपके सामने मालूमात फराहम करूँगी। ये सबक आपके दर्सी किताब के सफ़ा नंबर 139 से 148 के दरमियान वाक़ है। तलबा, हम अपनी पिछली नशिस्त में इसके बारे में पढ़े थे, आप इस नशिस्त में इसी सबक को आगे बढ़ाएंगे। तो अजीज तलबा व तालिबात, अपने इस नशिस्त को जिसमें जिसके अहम तदरीसी नुकात हैं बरखी स्विच और इसके इस्तेमालात, बरखी मौसम और हाजिस, इन दरसी नुकात के बारे में मालूमात हासिल करने से पहले हम अपने पिछली क्लास का इयादा करते हैं। तो बच्चों, हम अपनी पिछली क्लास में क्या क्या पढ़े थे याद कर लीजिए आप। हम अपनी पिछली क्लास में बर्फी सेल के बारे में पढ़े थे, बर्फी सेल को किस तरह से बनाया जाता है यानी इसमें क्या मौजूद होता है, केमिकल होता है, कीमियाई अशिया होती है जिसकी वजह से बर्फी सेल काम करता है, और बर्फी सेल को बर्फी सर्किट में किस तरह से मुंसलिक किया जाता है यानी बर्फी सर्किट के बारे में भी हमने पढ़ा था। बच्चों, मैं आपसे चंद सवाल करूँगी ताकि आपको पिछला हमारा सबक याद आ जाए। तो बच्चों बताइए, बर्फी सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? याद कीजिए बच्चों, बर्फी सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? एक मुस्बत होता है, एक मनफी होता है। बिल्कुल सही बच्चों, यानी दो टर्मिनल होते हैं, बर्फी सेल में दो टर्मिनल होते हैं। और बर्फी बल्ब में कितने टर्मिनल होते हैं? टॉर्च बल्ब में उसमें भी दो टर्मिनल होते हैं। वेरी गुड बच्चों। बर्फी सर्किट में बर्फी रूह के बहाव की सीमित को किस तरह लिया जाता है? याद कीजिए। जी हाँ, बर्फी सर्किट में बर्फी रूह के बहाव की सीमित को मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ लिया जाता है। वेरी गुड बच्चों, आपको अच्छी तरह याद है। तो और एक सवाल है बच्चों, ये बर्फी सर्किट में जो बल्ब टॉर्च बल्ब होता है वो किसकी मदद से रोशन होता है? हम टॉर्च बल्ब जलाने के बाद बल्ब का कौन सा हिस्सा रोशन होता है? जो जी हाँ, बिल्कुल सही, जो बारीक तार होती है जिसे हम क्या कहते हैं? फिलामेंट रोशन होता है। और एक सवाल, बर्फी सर्किट से क्या मुराद है? बर्फी सर्किट क्या है? बर्फी सेल के दो टर्मिनलों के दरमियान बर्फी रूह के बहाव की सिमत को मुकम्मिल करता है यानी मुकम्मिल रास्ता फराहम करता है जिसके वजह से बर्फी रूह मुस्बत टर्मिनल से मनफी टर्मिनल की तरफ बहती है। तो इस तरह बल्ब रोशन होता है, ये हमारे पिछले सबक का इयादा था। तो इसी को लेते हुए अब हम बर्फी स्विच और इसके इस्तेमाल के ताल्लुक से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना, ये क्या है? ये बर्फी स्विच है। इसको कहाँ देखा है आपने? ये आपके घरों में दीवारों पर होता है जिससे हम क्या करते हैं, बर्फी आलात जैसे फैन है, लाइट है, उसको क्या करते हैं? हम उसको ऑन ऑफ करते हैं, या जब भी हमको रोशनी चाहिए होती है हम बल्ब का बटन ऑन करते हैं, अब जब नहीं चाहिए होता है जब उसको ऑफ कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बर्फी स्विच कहलाता है। कहाँ पर? जो आला जहाँ पे रहता है वहीं ये बर्फी स्विच भी होता है। तो बच्चों, ये क्या है? स्विच एक सादा आला है जो या तो सर्किट को मुकम्मल करता है या इसे मुनखता कर देता है, मुकम्मल करता है, ऑन करता है या मुनखता कर देता है यानी तो काट देता है, बर्फी रूह के बहाव को काट
होता है। घरों में बल्ब और दीगर आलात में इस्तेमाल होने वाले स्विच इसी उसूल पर काम करते हैं। तो इसी उसूल पर हमारे घरों के बल्ब, फैन, जो भी बर्फी आलात होते हैं इसी उसूल पर काम करते हैं, और बर्फी सर्किट को भी ये मुनक़िता करता है और मुकम्मल रास्ता फराहम करता है। तो बच्चों ये एक क्या है, ये बर्फी स्विच है। तो बच्चों बर्फी स्विच को किस तरह बनाया जाता है? बर्फी स्विच को बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए बच्चों? देखिए यहाँ पे इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ, आपने सही अंदाज़ा लगाया। क्या क्या चाहिए हमें इसके लिए? दरकार अशियाँ हैं, सबसे पहले तो दो ड्राइंग पिन चाहिए, एक सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप चाहिए, और क्या चाहिए, तार के दो टुकड़े चाहिए, और चौथा थर्मोकोल की एक शीट या लकड़ी का कार्डबोर्ड। थर्मोकोल की शीट भी ले सकते हैं आप, यानी तो लकड़ी का कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो बच्चों इसको किस तरह बनाया जाता है देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, दो ड्राइंग पिन लिए। एक ड्राइंग पिन को क्या करना है, हमारे को एक सेफ्टी पिन लेना है, सेफ्टी पिन या पेपर क्लिप कुछ भी लीजिए। सेफ्टी पिन जो देखे हैं आपको, उसमें एक एक साइड में क्या होता है, बारीक लच्छा होता है, यानी गोल गोल राउंड राउंड होता है। उसमें से क्या करना है, ये ड्राइंग पिन को लगाकर उसके अंदर छुपाकर, कहाँ पे लगाना है हमारे को, थर्मोकोल के एक तरफ लगा देना है। क्या करेंगे हम, ये ड्राइंग पिन को सेफ्टी पिन के लच्छे वाले हिस्से में छुपाकर इसके थर्मोकोल के एक तरफ लगा दीजिए। इस तरह से नसब कीजिए कि अगला हिस्सा, अगला सरा जो है ना सेफ्टी पिन का, वो आधा दाना घूम सके। समझ में आ गया बच्चों? तो ये आधा दाना घूम सके। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक और सेफ्टी, हमारे पास एक और क्या है, ड्राइंग पिन है। हमने दो ड्राइंग पिन लिए थे, एक और ड्राइंग पिन को इसी ये थर्मोकोल की शीट पर लगाना है। उस तरह लगाना है कि ये सेफ्टी पिन आजादाना तौर पर उसको आसानी से छू सके। आ गया ना समझ में? अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये बर्फी तार है। यहाँ पर एक तार है बर्फी तार, यहाँ पर एक तार है। ये बर्फी तार को इसी सेफ्टी पिन से जोड़ना है, और इस बर्फी तार को इस वाले सेफ्टी पिन से जोड़ना है। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारा बर्फी स्विच है ना बच्चों, आसान बनाना। तो ये एक बर्फी स्विच बनाने का तरीका है जिसको हम आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों ये बर्फी स्विच को अब बर्फी सर्किट से किस तरह मुंसलिक किया जाता है, बर्फी स्विच को बर्फी स्विच से सर्किट से किस तरह मुंसलिक किया जाता है, देखिए यहाँ पे एक बर्फी सर्किट है। अब इस बर्फी सर्किट को हम किससे मुंसलिक किए हैं, बर्फी स्विच से मुंसलिक किए हैं। क्यों मुंसलिक करते हैं, क्योंकि इसको हमेशा अगर हम ये नहीं लगाए तो हमेशा के लिए ये क्या है, रोशन होते रहता है, इसी तरह रोशनी गुजरती रहती है। इसको मुनक़िता करने के लिए या इसमें से रोशनी गुजारने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्विच चाहिए होता है। इसलिए हम यहाँ पर इस स्विच को इस बर्फी सर्किट से मुंसलिक कर रहे हैं। देखिए बच्चों इस तार, जो एक तार खुली हुई थी उसको बल्ब के एक तार से जोड़ दीजिए, इस तार से जोड़ दीजिए, और एक जो तार है उसको बर्फी सेल के तार से जोड़ दीजिए, इस तरह जोड़ दीजिए। अब बच्चों इसको ऑन किस तरह किया जाता है, ये क्या है बच्चों, किस चीज़ किसकी तस्वीर है, ये सर्किट ऑन हालत में है। देखिए स्विच ऑन कहा जाता है, ऑन हालत यानी देखिए ऑन हालत क्या होता है, स्विच ऑन जब सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से छूते हैं तो ये दोनों ड्राइंग पिन के दरमियान खुला को पुर कर देती है। यहाँ पे देखिए सेफ्टी पिन, उस वक्त हम जब बनाए थे स्विच वो खुली हुई थी, जब हम उसको इस ड्राइंग पिन से छूते हैं तो क्या हो जाता है, इन दोनों के दरमियान में जो गैप था, जो खुला था, वो क्या हो गया, पुर हो गया, बंद हो गया, चले गए। अब क्या है, यहाँ से बर्फी रूह आसानी से गुजर सकती है, इसमें आसानी से गुजर सकती है, तो पुर कर देती है। इस सूरत में क्या कहा जाता है, स्विच ऑन कहा जाता है। आ गया बच्चों स्विच ऑन का मतलब, तो स्विच ऑन क्या है, एक मरतबा मैं फिर पढ़ती हूँ, गौर से सुनिए। जब सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से छूते हैं, ये सेफ्टी पिन है, इस सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन से हम छू रहे हैं तो ये दोनों ड्राइंग पिन के दरमियान खुला को पुर कर देती है। इस सूरत में स्विच ऑन कहा जाता है। स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, हमारा बल्ब क्या हो जाता है,
रोशन हो जाता है, यानी हम इसमें से बर्फी रूप आसानी से गुजार सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया था स्विच ऑन, किस तरह बर्फी सर्किट को स्विच ऑन किया जाता है। अब हम यहाँ देखेंगे स्विच ऑफ का मतलब क्या है। ये देखिए बच्चों, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, यानी ये सेफ्टी पिन है देखिए, और ये ड्राइंग पिन। हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग पिन से सेफ्टी पिन को हटा दे रहे हैं। यहाँ से ये सेफ्टी पिन इस ड्राइंग पिन को छू रही है क्या? नहीं छू रही है। जब देखिए बच्चों, जब सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से छूता नहीं तो बल्ब रोशन नहीं होता। दोनों ड्राइंग पिन के दरमियान खुला की वजह से सर्किट मुकम्मल नहीं होता। इस सूरत में स्विच ऑफ कहा जाता है, यानी जब हम इस सेफ्टी पिन को इस ड्राइंग पिन से हटा देते हैं तो इस इन दो पिनों के दरमियान, इन दो ड्राइंग पिनों के दरमियान खुला पैदा हो जाता है, जिस यानी यहाँ पर रास्ता नहीं है बर्फीलो को गुजरने के लिए। इसलिए क्या होता है, बर्फीलो नहीं गुजरती। तो क्या हो जाता है, इसको क्या कहेंगे हम? स्विच ऑफ कहेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बल्ब रोशन है नहीं ना, तो ये क्या है, स्विच ऑफ हालत में है। जब भी हमें ये रोशन नहीं चाहिए, बल्ब रोशन नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बटन्स को अपने घरों में भी बटन को बंद कर देते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, स्विच ऑफ कहते हैं। यानी सेफ्टी पिन यानी स्विच ऑफ यानी ऑफ हालत में स्विच। तो बच्चों समझ गए हैं आप किस तरह हम बर्फी सर्किट को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ कहते हैं। तो बच्चों हमने देखा अब तक कि बर्फी स्विच किस तरह ऑन ऑफ किया जाता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे बर्फी स्विच के इस्तेमाल क्या हैं। तो बर्फी स्विच क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो देखते हैं। चलिए बच्चों, ये बर्फी सर्किट को मुकम्मल करने के लिए और मुनक़ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम बर्फी सर्किट बनाना सीखे, बर्फी सर्किट में बल्ब को रोशन करना सीखे, यानी बल्ब अगर हम बर्फी सर्किट में रोशन कर दिए तो वो हमेशा इसी तरह कंटिन्यू रोशन रहता है, जिसकी वजह से बर्फी सेल में का कीमियाई अशिया ख़त्म हो जाता है और बर्फी सेल खराब हो जाता है, फिर हमें नया बर्फी सेल डालना पड़ता है। तो हम बर्फी सेल को ख़राब होने से बचाने के लिए, यानी बर्फी सर्किट को मुकम्मल करने के लिए, मनफता करने के लिए, और क्या करने हैं, मुकम्मल करने हैं, मनफता करने, ऑन करने के लिए और ऑफ करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आ गया बच्चों समझ में। नेक्स्ट देखिए, ये बर्फी रूह बिजली और पैसों की बचत करता है। हम क्या कर सकते हैं इन स्विच से, स्विच क्या करता है, इस्तेमाल क्या है इसका, ये बर्फी रूह यानी बिजली को, बिजली की बचत करता है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, हमारे घरों में भी जो हम बिजली इस्तेमाल करते हैं उसकी हमेशा हम बचत करनी चाहिए, क्योंकि बर्फी रूह की हम बचत करें तो क्या हो जाता है, इससे हमारे पैसों की भी बचत होती है। तो क्या है, हम बर्फी रूह को बचाए तो हम अपने माहौल में एनवायरनमेंट को भी ठीक रखते हैं। तो क्या होता है, ये देखिए बच्चों, बर्फी रूह किस तरह हम इसकी बचत कैसा कर सकते हैं, बर्फी रूह की बताइए, यानी जब ज़रूरत हो उस वक्त ही बर्फी स्विच को ऑन करना चाहिए, उन आलात को ऑन करना चाहिए। किसकी मदद से, बर्फी स्विच की मदद से। अगर हमारे को रोशनी नहीं चाहिए तो झट से रोशनी का जो बल्ब का बटन रहता है उसको ऑफ कर देना चाहिए, जिससे हम बर्फी रूह को बचा सकते हैं, सिर्फ ना सिर्फ बल्ब को। जब फैन की ज़रूरत हो, जब गर्मी हो तभी फैन ऑन कीजिए, जब फैन ज़रूरत नहीं है हमारे को, जब गर्मी महसूस नहीं हो रही है तो उसको ऑफ कर दीजिए। अपने घरों के खिड़कियाँ दरवाजे सब खोल के रखना, दिन के वक्त खोल के रखिए, जिससे है ना आपको ताज़ी हवा, बाहर की हवा भी अंदर आती है, जिससे क्या कर सकते हैं, हम बर्फी रूह की बचत कर सकते हैं बच्चों। तो ये क्या है, ये बर्फी स्विच क्या काम करता है, बर्फी रूह को यानी बिजली की बचत करता है, जिसके आपके पैसे भी बच जाते हैं। और क्या है, ये इंफ्रादी आलात को कंट्रोल करता है। आलात अगर कंटिन्यू इसी तरह जलते रहेंगे, बर्फी आलात, तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करता है, उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब ज़रूरत है ऑन कर सकते हैं, जब ज़रूरत नहीं है उसको बंद कर सकते हैं। आपके घरों में होते ना मशीनें, मिक्सर मशीन, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, ये तमाम चीज़ें बर्फी आलात जो हैं वो कंटिन्यू चलने से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। फ़ैन को कंटिन्यू चलाइए तो वो गर्म होकर ख़राब हो जाता है। तो क्या करेंगे हम, आपकी टीवी भी जो जलती है बिजली की मदद से चलती है, तो क्या है, कंटिन्यू चलने से क्या हो जाता है, बर्फी आलात ख़राब हो जाते हैं, तो उनको रेस्ट देने के लिए भी हमें बंद करना चाहिए। तो ये कौन करता है इसका कंट्रोल, ये कंट्रोल भी ये बर्फी स्विच की वजह से हम उन तमाम आलात को कंट्रोल कर सकते हैं।
तो बच्चों बरखी स्विच बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिससे क्या कर सकते हैं हम तमाम इंफरादी बरखी आलात को, इंफरादी आलात को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो बच्चों चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है ये बरखी मौसिल और हाजिज? ये बरखी मौसिल और हाजिज हैं क्या? बरखी मौसिल आपने नाम सुना है ना? हाँ, जो बरखी सर्किट में आप जो तार इस्तेमाल करते हैं, बरखी तार, वो क्या कहलाती है? बरखी मौसिल है। और वो तार के ऊपर का जो खोल होता है, प्लास्टिक का खोल, वो क्या है? हाजिज है। वो मौसिल और वो हाजिज उसे क्यों कहते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए बरखी मौसिल से क्या मुराद है। बरखी मौसिल वो अशिया जिनसे होकर बरखी रूह गुजरती है, यानी जिन अशिया से बरखी रूह का गुजर होता है मौसिल कहलाती हैं। क्या है बच्चों? वो अशिया जिनसे होकर बरखी रूह गुजरती है मौसिल कहलाती हैं। मसलन धात, जैसे तांबा, अल्युमिनियम, लोहा, सोना, चांदी वगैरह, तमाम धातें जो है वो क्या होती हैं? बरखी रूह की मौसिल होती हैं। इन धातों से क्या है, हम बरखी रूह को गुजार सकते हैं, यानी बरखी आलात में जहाँ पर भी बरखी रूह का गुजर होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि वो किसकी वजह से हो रहा है, बरखी मौसिल की वजह से हो रहा है। यानी वहाँ पर ऐसे आलात इस्तेमाल किए गए हैं जहाँ से बरखी रूह गुजरती है। ये बरखी सर्किट में हम देख चुके हैं कि जो भी बरखी तार होते हैं वो धातों से बने होते हैं, क्योंकि वो बरखी मौसिल होते हैं, यानी बरखी रूह के अच्छे मौसिल होते हैं, जिसकी वजह से बरखी रूह आसानी से गुजर सकती है और उन आलात में कुछ भी रुकावट नहीं होती। तो बच्चों ये क्या है? हाजिज़। हाजिज़ का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। वो अशिया जिनसे होकर बरखी रूह नहीं गुजर पाती, यानी बरखी रूह को नहीं गुजारते तो गुजर पाती हाजिज कहलाती हैं। यानी ऐसी अशिया जो बरखी रूह को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, बरखी रूह को रोक देती हैं, वो क्या कहलाती हैं? हाजिज कहलाती हैं। मसलन रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, हवा वगैरह। तो देखिए बच्चों ये क्या हैं, ये हाजिज कहलाते हैं। कौन कौन सी हैं हाजिज की मिसालें? रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, हवा है, हवा वगैरह और बहुत सारे हैं जो हाजिज हैं। तो बच्चों ये देखिए किस तरह है मिसाल, इसकी मिसाल आपने बर्फी सर्किट में देखा, बर्फी तार के ऊपर जो प्लास्टिक था, प्लास्टिक का खोल था, हमने उस खोल के सरों को बर्फी सर्किट को मुकम्मल करने के लिए निकाला था। क्यों निकाला था? उसको जोड़ने में सिलिक करने के लिए। तो वो क्या है? वो हाजिज हैं। हाजिज यानी हमें क्यों बर्फी तार के ऊपर वो हाजिज का खोल क्यों डालते हैं? ताकि हमें बिजली का झटका ना लग सके। तो हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी हिफाजत के लिए ये प्लास्टिक का खोल डाला जाता है, ताकि हम तमाम को बिजली के झटकों से बचा सके। तो देखिए बच्चों इसकी मिसाल रबर है, प्लास्टिक है, लकड़ी, हमने इसके जो भी काम, बिजली का काम करने के लिए जो भी यहाँ पे अमली काम के लिए नीचे क्या लिया था? लकड़ी का तख्ता लिया था। तो क्यों लेते हैं लकड़ी का तख्ता? ये भी बिजली के झटकों से बचाने के लिए, क्योंकि बिजली के झटकों से हमारी जान भी जा सकती है। जब भी हम बिजली के काम, जो भी काम करें, तो क्या है उसमें एहतियात बरतनी ज़रूरी है। हमेशा अपनी हिफाजत के लिए हमें हाजिज चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक जदोल है। चलिए क्या ये जदोल क्या कह रहा है देखते हैं। जदोल की तरह एक जदोल अपनी कापी में बनाइए और अपने मुशाहदात को नोट कीजिए, यानी आप अपना नोटबुक और कलम निकालिए और इस जदोल को नोट डाउन कीजिए। देखिए बच्चों क्या करना है इस जदोल में। पहला कॉलम है स्विच की जगह इस्तेमाल की जाने वाली अशिया। हमने बर्फी सर्किट में स्विच लगाया था, उस स्विच की जगह पे अब हमें क्या करना है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। स्विच को हटाना है और इन चीज़ों को बर्फी सर्किट से मुंसलिक करना है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मादे जिनसे अशिया बनती है, ये जो अशिया है ये किन मादों से बनी है हमें यहाँ पर लिखना है, यानी दर्ज करना है। आप भी अपने नोटबुक में दर्ज करिए। अब यहाँ पे क्या है, देखिए बल्ब रोशन होता है, रोशन होता है तो हमें हाँ लिखना है, अगर रोशन नहीं होता है तो नहीं लिखना है। बल्ब कब रोशन होता है? जब बरखी रूह उन धातों में से या उन इसमें से उन अशिया में से गुजरती है तो बल्ब रोशन होता है। जिससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि
वो चीज बर्फी मौसम है या हार्ड डिस्क है। अगर उसमें से बर्फी रू का गुजर होता है तो बल्ब रोशन हो जाता है, जिसकी मदद से हमें वो मौसम है बल्कि पता चलता है। अगर वो हार्ड डिस्क है तो बल्ब रोशन नहीं होता, जिससे हमें उस अशिया का हाजिज होना पता चलता है। तो चलिए बच्चों एक एक करके अब आगे बढ़ते हैं। ये पहली मिसाल है, यहाँ पे चाबी है। देखिए बच्चों ये चाबी है। चाबी किस चीज से, किससे अशिया से बनी होती है? चाबी धात से बनी होती है। चाबी किससे बनी होती है? चाबी धात से बनी होती है। अब धात को, चाबी को क्या करते हैं, बर्फी स्विच के बजाय, बर्फी सर्किट में बर्फी स्विच जहाँ पे जोड़ते हैं उसके बजाय हम चाबी को जोड़ देते हैं। तो बच्चों चाबी को जोड़ने के बाद क्या होगा, बर्फी स्विच ऑन, बर्फी बल्ब रोशन होगा या नहीं होगा? तो बर्फी बल्ब क्या होगा? रोशन होगा। तो उससे रोशन होगा, उससे क्या पता चलता है हमें, यानी ये जो चाबी है वो क्या है, बर्फी मोसिल है। वेरी गुड बच्चों, बर्फी मोसिल है, जिसकी वजह से बर्फी बल्ब क्या, ये बल्ब क्या हो गया, रोशन हो गया। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ बोलकर लिखेंगे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं रबर। रबर बर्फी मोसिल है या हाजिज है, हमें पता करना है। तो रबर को भी इसी तरह बर्फी स्विच की जगह बर्फी सर्किट में जोड़ देते हैं। बर्फी स्विच हटा कर रबर जोड़ते हैं। उसी तरह जोड़ने के लिए आप क्या लेंगे, या तो टेप लीजिए यानी तो रबर बैंड लीजिए। अब उस रबर को जोड़ने के बाद, ये रबर क्या होता है, रबर इसमें मादा क्या है, ये रबर ही है। तो इस रबर को जोड़ने के बाद अब ये देखिए कि बल्ब रोशन हुआ या नहीं। तो देखना यह है हमें बल्ब रोशन हुआ या नहीं। तो बच्चों बल्ब रोशन होगा नहीं होगा? बल्ब रोशन नहीं होगा। बल्ब अगर रोशन नहीं होगा तो हमें क्या पता चला, ये रबर क्या है, ये एक हाजिज शय है। क्या है ये? हाजिज है, इसमें से बर्फी रू का गुजर नहीं होता। तो चलिए बच्चों ये दो का तो पता चल गया कि ये क्या है, बर्फी मोसिल है, ये हाजिज है। अब तीसरी अशिया की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या है, पैमाना या स्केल। ये स्केल यहाँ पे देखिए धातु से नहीं बनी हुई है, ये प्लास्टिक की स्केल है। किस चीज की स्केल है? ये प्लास्टिक से बनी हुई स्केल है। इसको भी हम इसमें बर्फी सर्किट में बर्फी स्विच के बजाय प्लास्टिक से जोड़ देंगे, तब उसमें से बर्फी रू का गुजर होगा यानी देखते हैं। तो बल्ब रोशन होगा क्या? यहाँ पर भी बल्ब रोशन नहीं होगा। तो इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि ये प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक जो पैमाना हमने इस्तेमाल किया था वो भी, जी हाँ, ये भी क्या है, हाजिज है। इसमें से भी बर्फी रू नहीं गुजर पाती, तो क्या है, प्लास्टिक भी एक हाजिज है। अभी माचिस की तीली किससे बनी होती है बच्चों? ये लकड़ी से बनी होती है। यानी हम माचिस की तीली लिए, ये लकड़ी लिए, यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है छोटा सा, लेकर क्या करेंगे आप, इसको भी बर्फी स्विच की जगह पर बर्फी सर्किट में जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद क्या देखेंगे कि बल्ब रोशन हुआ या नहीं। तो बताइए बच्चों, ये लकड़ी ये माचिस की तीली जोड़ने पर बल्ब रोशन होगा नहीं ना? जी हाँ, वेरी गुड, बल्ब रोशन नहीं होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि लकड़ी भी क्या है, बर्फी रू नहीं गुजरता, इसलिए क्या है, ये भी हाजिज है। तो बच्चों इसी तरह अब हम कांच के गिलास की तरफ आते हैं। कांच के गिलास किससे बना होता है? कांच से बना होता है बेशक। तो एक कांच को क्या करेंगे, फिर इसी तरह बर्फी सर्किट में किससे जोड़ेंगे, बर्फी सर्किट से जोड़ेंगे। किसको हटाकर? बर्फी स्विच को हटाकर बर्फी सर्किट में जोड़ेंगे। तो इसके बाद हम ये देखेंगे कि बल्ब रोशन हुआ या नहीं। तो बच्चों बताइए बल्ब रोशन होगा या नहीं? इस सूरत में भी बल्ब रोशन नहीं होगा। इससे पता चला कि ये क्या है, कांच का गिलास भी क्या है, हाजिज है। अब नेक्स्ट बच्चों, लोहे की कील। ये क्या है, ये धात से बना होता है। धात यानी हमने बर्फी सर्किट में जो बर्फी तार इस्तेमाल की थी वो भी धात से बनी हुई थी। तो बच्चों इसका मतलब देखिए, इसको अगर बर्फी स्विच की जगह पर बर्फी सर्किट में जोड़ते हैं तो इसमें से क्या रोशन होगा बल्ब? जी हाँ, बेशक इसमें बल्ब रोशन होगा। इससे क्या पता चला हमें, इससे ये पता चला कि धात क्या है, बर्फी रू का बर्फी मोसिल है। तो ये मोसिल है क्योंकि यहाँ पर बल्ब रोशन हुआ है।
अब ये थर्मोकोल की शीट, थर्मोकोल की शीट नजर आ रहे हैं, थर्मोकोल लिए हम। थर्मो किससे बना होता है? ये थर्मोप्लास्ट या प्लास्टिक से बना होता है। इसको अगर बर्फी स्विच की जगह पर हम लेंगे तो क्या बल्ब रोशन होगा? जी नहीं, यहाँ पर भी बल्ब रोशन नहीं होगा। इससे हमें तो हम यहाँ क्या लिखना है, हमें नहीं लिखना है यहाँ पर, तो बल्ब रोशन नहीं होगा। तो इससे पता चला कि थर्मोकोल की शीट बर्फ हाजिस है, यानी बर्फी मौसम नहीं है। तो इसलिए हम अमली कामों के लिए हम जो भी सर्किट वगैरह बनाते हैं उसके नीचे थर्मोकोल की शीट्स रखकर इस्तेमाल करते हैं, ताकि बर्फी रूप दूसरे हमारे बर्फी रूप की वजह से हमें कोई झटका ना लगे। तो बच्चों ये एक सरगर्मी थी। और इसी तरह आप और बहुत सारी चीज़ें जो अपने अतराफ़ होती हैं, अगर वो बर्फी मौसिल हैं या हाजिज हैं पता करना है, तो आपने बर्फी सर्किट बनाकर उसमें स्विच की जगह पर वो उन अशिया को जोड़िए और पता लगाइए कि ये मौसिल है या हाजिज। आप जो भी काम करें अपने उस्ताद की निगरानी में ही करिए। और जब भी आप बर्फी रूह से मुतालिक जो भी अमली काम करें, उस वक्त क्या करेंगे, आप रबर के हैंड ग्लोव्स पहनिए या प्लास्टिक के चप्पल पहनिए। और अगर आपके घर में आप बिजली के काम कर रहे हैं, कुछ जो ठीक कर रहे हैं आलात, तो क्या करेंगे आप, कभी भी धातु की यानी लोहे की बनी हुई कुर्सी वगैरह इस्तेमाल मत कीजिए, जिससे क्या होता है हमें झटके भी लग सकते हैं, जिससे हमारे अमवात भी वाकई हो सकती है। इसलिए हमेशा प्लास्टिक की कुर्सी वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। और जो भी आप औजार भी इस्तेमाल करें वो प्लास्टिक के करिए, ताकि बर्फी झटकों से बच सकें। तो बच्चों हमने अब तक, तो बच्चों यहाँ पर एक है, देखिए ये हमारा जिस्म क्या है, ये आपका जिस्म बिजली का मौसिल है। जो हमारा जिस्म है बच्चों वो भी क्या है, बिजली का मौसिल है, इसमें से भी बिजली गुजर जाती है। इसलिए आप कई मरतबा सुने होंगे बारिश के मौसम में क्या है, यहाँ पर बिजली गिरी, वहाँ पर बिजली गिरी, जिससे इतने अमवात हुए। तो बच्चों क्या हमारा जिस्म बिजली का मौसिल है, तो क्या करना चाहिए, लिहाजा बर्फी हालात के साथ काम करते वक्त ओहतात रहना चाहिए, बहुत ही होशियार रहना चाहिए, होशियारी से काम करना चाहिए। जो भी बर्फी हालात का काम करिए आप देख समझ कर करिए, हमेशा रबर के हैंड ग्लोव्स पहनिए, ताकि क्योंकि हमारा जिस्म क्या है बर्फी मौसिल है, तो बर्फी झटकों से बचने के लिए एहतियात के तौर पर हमें हमेशा एहतियात से काम देना चाहिए। हाँ, प्लास्टिक की कुर्सी, लकड़ी की कुर्सी का इस्तेमाल करिए, या जो भी हम औजार यानी स्क्रू ड्राइवर वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर उसका दस्ता प्लास्टिक से बना होना चाहिए। तो बच्चों ये था आज का सबक। तो बच्चों मैं समझती हूँ कि आपको इसके बारे में अच्छा सा इल्म हुआ होगा। चलिए बच्चों अब आती है बारी, हमने कितना जाना इसको जांचें। तो हम चंद मशहूर सवाल हल करते हैं, आपको क्या करना है इन तमाम के सही सही जवाब देने होंगे। तो देखिए बच्चों पहला सवाल हमारा, बताइए कि मंदरजा ज़ैल बयानात सही हैं या गलत। आपको ये बताना है कि ये सही हैं या गलत। तो सवाल, पहला सवाल बच्चों, धातों से होकर बर्फी रूह गुजर सकती है, क्या धात से बर्फी रूह गुजरती है, सोचिए बच्चों। तो दूसरा सवाल, सर्किट बनाने के लिए धाती तार के बजाय जूट की रस्सी का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो धाती तार बनाने के लिए क्या है, सर्किट बनाने के लिए धातु के तार के बजाय जूट की रस्सी का क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर तीसरा सवाल, बर्फी रूह थर्मोकोल की शीट से होकर गुजर सकती है, बर्फी रूह थर्मोकोल की शीट से क्या गुजर सकती है। तो ये आपके सवाल थे, आपको जवाब मिल गए बच्चों। तो देखिए आपके जवाब सही हैं या गलत, हम देखते हैं। देखिए पहले सवाल का जवाब, धातों से होकर बर्फी रूह गुजर सकती है ना बच्चों। जी हाँ, क्योंकि धातु क्या है बर्फी रूह के अच्छे मौसिल हैं। हमने देखा बर्फी तार जो भी बनाते हैं हम धातों से बनाते हैं, तो क्या है इसलिए है ना धातों से क्या होता है बर्फी रूह गुजर सकती है। तो इसका जवाब सही हुआ, मुझे उम्मीद है आपने भी सही जवाब दिया होगा। इसलिए जिन्होंने भी सही जवाब दिया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, मेरी भी इसी तरह से जवाब देते रहिए। अब नेक्स्ट सवाल था हमारा, सर्किट बनाने के लिए धाती तार के बजाय जूट की रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या है बच्चों यहाँ पर जवाब क्या है, गलत। यानी सर्किट बनाने के लिए धाती तार के बजाय जूट की रस्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि ये हाजिज है,
आजिज होने का मतलब ये है कि इसमें से बर्फी रू नहीं गुजरती। नेक्स्ट तीसरा सवाल, बर्फी रू थर्मोकोल की शीट से होकर गुजर सकती है। बर्फी रू क्या थर्मोकोल की शीट से होकर गुजर सकती है? नहीं गुजर सकती। तो बच्चों इसका जवाब ये हुआ कि ये गलत है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने भी सही जवाब दिया होगा, क्योंकि थर्मोकोल क्या है? हाजिज है। हमने देखा था अपने जदोल में, हमने जो अम्लीकरण किया था कि उसमें से ये पता चला था कि हमें थर्मोकोल से बल्ब रोशन नहीं हुआ था, इसलिए क्या है ये हाजिज है। तो ये क्या हुआ, ये सवाल क्या हुआ हमारा, गलत हुआ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपने भी सही सही जवाब दिए होंगे। तो तमाम को मेरी तरफ से मुबारक हो। तो बच्चों आइए अगले सवाल की तरफ। हमारा सवाल है, तशरीह कीजिए कि शक्ल में दिखाए गए इंतजाम में बल्ब रोशन क्यों नहीं होता। दूसरा सवाल, देखिए ये शक्ल है इसमें क्यों नहीं होता। नेक्स्ट सवाल, बिजली काम करने वाला जब आपके घर पर बर्फी स्विच की मरम्मत करता है तो रबर के दस्ताने क्यों पहनता है। तो बच्चों जल्द से इसके जवाब दीजिए। तो आपके जवाब चेक कर लीजिए, क्या आपके जवाब सही है या नहीं। तो देखिए बच्चों इस तस्वीर में बल्ब रोशन हो गया या नहीं। जी हाँ, जवाब देखिए, पेचकस का दस्ता हाजिश से बना है जो बर्फी तवानाई को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता, इसलिए शक्ल में दिखाए गए इंतजाम में बल्ब रोशन नहीं होगा। क्योंकि ये हाजिज है इसलिए यहाँ पर बल्ब रोशन नहीं होगा, क्योंकि बर्फी का गुजर नहीं होगा। तो अगला सवाल था हमारा, या देखिए, बिजली का काम करने वाला जब आपके घर पर बर्फी स्विच की मरम्मत करता है तो रबर के दस्ताने क्यों पहनता है। क्योंकि बच्चों रबर क्या होता है, हाजिज होता है, जिसकी वजह से बर्फी रू का काम करने वाले अपने हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं। तो बच्चा जवाब क्या है, देखिए, बिजली का काम करने वाले स्विच की मरम्मत करते वक्त रबर के दस्ताने पहनते हैं, क्योंकि रबर हाजिज है और ये बिजली के झटके से हमको बचाता है। तो बच्चों ये रहे सवाल, अब हम घर पर काम की तरफ आते हैं। तो बच्चों ये है घर पर काम। तो तीन सवाल हैं यहाँ पर, बर्फी स्विच इस्तेमाल करने का क्या मकसद है। तो बर्फी स्विच क्यों इस्तेमाल करते हैं आपको लिखना है इसका जवाब। दूसरा, बर्फी स्विच हमेशा प्लास्टिक से बने होते हैं क्यों। तो बर्फी स्विच बनाने के लिए बर्फी स्विच क्या है, हमेशा प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्यों, बोलकर सवाल है। तीसरा सवाल, बर्फी स्विच को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए क्यों। तो बर्फी स्विच को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो बच्चों ये थे आपके होमवर्क क्वेश्चंस, होमवर्क के सवाल। तो बच्चों इसके साथ मैं आमिना नूसर, मानू मोलिमा सरकारी उर्दू आला इब्तदाई मदरसा सिया तालाब रायचूर, आप तमाम से इजाज़त चाहती हूँ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अनुक्षणा कलियोणा कलिकेय सहादी।